हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट चैनल इंडिया पे। आज हम लोग औषधीय वनस्पति जंगली अजवाइन के बारे में जानकारी लेते हैं। जंगली अजवाइन बहुत ही दिव्य औषधि है मित्रों, और आज के विषय में मैं यो जो जानकारी देने वाला हूँ वो है शराबियों के लिए, जो ज़्यादा शराब पीते हैं, एल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और मानसिक विकृत अवस्था में रहते हैं, उन अवस्थाओं के लिए शराब छुड़ाने के सबसे रामबाण औषधि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। और जैसे मेरे कमेंट आता है कि भाई आप बीमारी का नाम बताते हैं, उसका मिश्रण कंपोजिशन नहीं बताते हैं, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि मित्रों जिस औषधि का जैसा प्रयोग होता है, ठीक है, और जैसा प्रयोग की अवस्था होती है उस अवस्था में बहुत सारी बीमारियों का उसका इलाज होता है, तो बहुत सारी बीमारियों का मैं प्रयोग नहीं बता सकता हूँ। तो ठीक है, आज के विषय में हमारा है जंगली अजवाइन, ठीक है। अब क्या करता है मित्रों, ये जंगली अजवाइन जो है, जंगली अजवाइन की पहले पहचान करा दे रहा हूँ। ये देखिए साधारण सा इसकी पत्तियाँ इस प्रकार से रहेंगी, जैसे देख लीजिएगा, ठीक है, और रोमदार रहेंगे, ठीक है, मंजरी उसके ऐसे लगती हैं, और ये जो पुष्प की अवस्था है मित्रों ये ऐसा होता है, नीली अवस्था में इसके पुष्प होते हैं, ठीक है, और हमेशा ये ज़्यादा छुप लिए अवस्था में ऐसे रहते हैं, जैसे मैं आपको झाड़ी नुमा बताया, ठीक है, साधारण सा अवस्था में रहता है, जैसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप इस औषधि का प्रयोग कर रहे हैं मित्रों, तो इस औषधि प्रयोग के लिए सबसे पहले हम लोग एक इसकी जानकारी लेते हैं। जानकारी में जैसे मान लीजिए कि जैसे ये जो औषधि प्रयोग कर रहे हैं, तो औषधि प्रयोग के लिए सबसे पहले हम औषधि का एक जानकारी प्रयोग लेते हैं कि औषधि एक्चुअल वो है कि नहीं है, ठीक है, और उस औषधि का जब प्रयोग किया जाता है तो औषधि प्रयोग के साथ उसका मतलब और क्या क्या मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो पहले मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी बीमारी में काम आता है। उसके बाद फिर मैं जैसे वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया कि मैं शराब छुड़ाने के लिए एक जो रामबाण औषधि होती है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसका जो है सबसे बड़ा जंगली अजवाइन जो होता है मित्रों, घरेलू अजवाइन जैसा होते हैं, इसकी पहचान जो होती है इसकी गमक और इसके जो दाना होते हैं अजवाइन के जैसा ही होते हैं, पिरुल जंगली अजवाइन है लेकिन, ठीक है, इसकी खुशबू भी बिल्कुल अजवाइन के जैसा रहेगा। इसके पत्तियों को जैसे आप साधारण से देख लीजिएगा कि आप कहीं भी विकल्प में ये देखिए यही है, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए ऐसा मसल लेते हैं, ठीक है, अब मसल का आप अगर चूर्ण बना लेते हैं इस तरीके से, तो इसको आप सूंघते हैं तो एकदम बिल्कुल घरेलू अजवाइन जैसा आपका इसकी पहचान है आएगी, तो इसको पहचानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है, आपको बस उपलब्ध हो जाए, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसके बारे में, तो ये पाचन संस्थान को मजबूत करता है मित्रों, है ना, पाचन अंतड़ियों को मजबूती देता है, पेट के दर्द को दूर करता है, कृमिनाशक है, बुखार को दूर करता है, सूजन को दूर करता है, चोट मोच के सूजन को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है ये शराब पीने वालों के लिए भी ये जो छुड़ाने में रामबाण औषधि का काम करता है। अब देखिए सबसे बड़ा कंपोजिशन क्या होता है कि मैं आपको इसके बारे में पहचान करा दिया, अब प्रयोग बता दिया। अब इसको प्रयोग हम क्या करना है, पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पंचांग मंत्र ए पतियों से लेके और ए पुष्प तक, ठीक है, और जड़ का प्रयोग करें, ठीक है। तो पंचांग का प्रयोग जब करिए तो पंचांग के प्रयोग के साथ आप इसका जब प्रयोग की विधि लीजिए, तो पंचांग के प्रयोग की विधि के साथ आप इसके विकल्प में अब क्या करना है कि शराब छोड़ाने के लिए जैसे मैं विषय में बताया मित्रों, तो इसका पथरी में भी प्रयोग किया जाता है, पथरी में भी ये रामबाण प्रयोग है, लेकिन हमारे विषय में आज क्या है कि जंगली अजवाइन का शराब छुड़ाने में कैसे प्रयोग किया जाए। तो आयुर्वेद कहता है कि जंगली अजवाइन को, ठीक है, जंगली अजवाइन का आप 10 ग्राम ले लीजिए मित्रों, और 10 ग्राम का चूर्ण बना लीजिए जंगली अजवाइन का, चाहे फिर घरेलू अजवाइन मिल जाए वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजवाइन का चूर्ण बना लीजिए 10 ग्राम, और उसके बाद गिलोय गुरुच जिसको बोला जाता है उसके पंचांग का छाल बना, पंचांग का 10 ग्राम चूर्ण बना लीजिए, और उसके बाद 5 ग्राम श्यामा तुलसी काली तुलसी का चूर्ण बना लीजिए, और उस चूर्ण को आप भिगो दीजिए रात को, ठीक है, और सुबह उस चूर्ण का जो है उसको छान करके छन्नी या सूती कपड़े से छान करके उसके खाली पेट ग्रहण करिए, खाली पेट मतलब ब्रश व्रश कर लीजिए, लेकिन जब हल्का पानी लेने के साथ जो किसी भी अनाज का ग्रहण करने से पहले आप उस चीज़ को ग्रहण कर लीजिए, हल्का पानी पी लीजिए लेकिन ब्रश व्रश करने के बाद, उसके बाद इसका औषधि प्रयोग करिए खाली पेट में, ठीक है। तो 10 ग्राम आपका अजवाइन हो गया, 10 ग्राम आपका गिलोय गुरुच हो गया, सी ना, पंचांग का सूखे चूर्ण, ठीक है, और 5 ग्राम हो गया श्यामा तुलसी का पंचांग का सूखे चूर्ण, ठीक है। अब देख लीजिएगा इस अवस्था में आप चूर्ण बना लीजिए और भिगो करके सुबह खाली पेट लीजिए, तो उस अवस्था में 10 दिन के अंतराल में ही आपके शराब पीने का जो लत है या विचार है जो उत्पन्न होती है, मानसिक विकृतियाँ पैदा करती है, और उस प्रकार से आपके जो विचार बदल देगा, आप सूंघ नहीं पाएंगे, आप अगर ग्रहण भी करते हैं तो आपको वोमिटिंग उल्टी करा देगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसकी खासियत सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसकी
कुछ दिनों के बाद आपको शराब की बदबू भी आपको बर्दाश्त नहीं होगी, अब सब शराब की बदबू आपके पास बर्दाश्त नहीं होगी, तो शराब आप खुद ब खुद छोड़ दीजिएगा। ये रामबाण औषधि है मित्रों, आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारी दिव्य औषधियाँ पड़ी हुई हैं। मैं केवल अपने जो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे मित्र हैं और मित्रों के माध्यम से जो हमारा ये जानकारी रहा कि वो लोग जानकारी जो शेयर करते हैं हमको कि भाई आप किसी एक विषय के बारे में पूरी जानकारी बता दीजिए, लेकिन किसी एक बीमारी के बारे में पूर्ण रूप से कंपोजिशन जो मात्रा होती है कि औषधि प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से, वो उनकी जानकारी दे दीजिए। तो मैं अपने मित्रों की जानकारी के लिए ये मैं अपना फर्स्ट कंपोजिशन में अच्छी रूप से जानकारी दिया हूँ। तो किसी प्रकार से और भी किसी को जानकारी इस प्रकार से कमेंट है या फिर जानकारी है इसके अजवाइन के जंगली अजवाइन के बारे में, तो कृपया हमें पोस्ट करें, शेयर करें। और अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आए मित्रों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कहने का मतलब है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं और अच्छे समाज के हित में, चाहे आयुर्वेद के सिद्धांत में, हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा में अगर मैं सहयोग दे रहा हूं, तो प्लीज़ कमेंट करें और सहयोग प्रदान करें और लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए प्लीज़। थैंक यू।